वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा भी जब्त किया। आपको बता दें, जब्त किए गए गांजे की कीमत 44 लाख रुपए के आसपास है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी अशोक शर्मा और जीवनलाल गुर्जर हैं। ये उड़ीसा से गांजा खरीदने के बाद ट्रक में भरकर राजस्थान जा रहे थे। फिलहाल इनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। बोरी थाना क्षेत्र में जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर थाना है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहां पे एक राजस्थान गाड़ी को चेकिंग के दौरान, राजस्थान पासिंग गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें लगभग 221 किलो गांजा प्राप्त हुआ, जिसे 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें उसकी जो कुल कीमत है गांजे की, वो टोटल 44,26,000 कीमत का है। साथ ही साथ जो ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत जो है लगभग 25 लाख की है,